बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आपको वेलकम कहता हूँ। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा PWM चार्ज कंट्रोलर के बारे में और उसकी सेटिंग के बारे में। बेसिकली ये चार्ज कंट्रोलर है PWM, और ये मॉडल है CM3024, और ये बड़े पहले चला करते थे जिस वक्त MPPT अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं था ना, उस वक्त ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल होते थे। तो काफ़ी सारे लोग, मेरे दो तीन दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता करके कहा कि आप इसकी सेटिंग के बारे में हमें बताइएगा और इसकी बेस्ट सेटिंग क्या है, और हमारा लोड जो है वो जल्दी ऑफ हो जाता है, बैटरी सही चार्ज नहीं होती। तो मैंने इसलिए फिर मैंने कहा कि चले मैं इस पर एक वीडियो ही बना देता हूँ। वैसे तो ये इसमें कोई इतनी बड़ी फ़िलासफ़ी नहीं है, इसका बेसिकली समझने के तीन सेटिंग जो हैं वो बेसिकली करने वाली होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ तीन सेटिंग जो है, इसकी सेटिंग दूसरे इन्वर्टर्स की तरह लेंथी नहीं होती। तो वो तीन सेटिंग कौन सी हैं? वो दो तो हैं आपके लोड ऑन ऑफ की सेटिंग, कि कितने बैटरी के वोल्ट के ऊपर आपका लोड ऑन होगा और कितने वोल्ट बैटरी रह जाएगी तो आपका लोड ऑफ हो जाएगा। ये दो सेटिंग्स होंगी। और थर्ड वन है आपकी जो है वो बैटरी के चार्ज वोल्ट की सेटिंग, कि सोलर से जो करंट आ रहा होता है वो कितने वोल्टेज के ऊपर आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, ये ठीक है, वो सेट करना था। ये तीन चीज़ें बस, और वो कैसे करनी मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ, कोई इतना बड़ा फलसफा नहीं है। उसमें आपने पैरामीटर्स क्या रखने हैं, बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें यह है कि आप यहाँ पर, हम आ गए जी चार्जर के ऊपर। ये सबसे पहले सेटिंग वाला बटन है, इसको मैं आपको मेन स्क्रीन इसकी दिखा देता हूँ कि आपको मेन स्क्रीन इसकी क्या शो हो रही होगी। ये इसकी मेन स्क्रीन है, होम पेज इसको कह लें। अच्छा, ये यहाँ पर हमें बैटरी के वोल्टेज शो कर रहा है, इस वक्त जितनी बैटरी चार्ज है, बैटरी फुली चार्ज है, मैंने 14.2 पे फुल इसको रखा हुआ है। तो ये आगे फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि ये बल्क चार्ज कर रहा है। अच्छा, इसकी सेटिंग वो चेंज करने के लिए ये वाला बटन दिया गया है, इसको हम दबाएंगे तो ये अगली सेटिंग में चला जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर ये सेटिंग नहीं है, ये हमें यहाँ पर एनवायरमेंटल टेम्परेचर बता रहा है, ये जो डिग्री सेंटीग्रेड में कि इस वक्त माहौल का जो है वो दर्जा हरारत कितना है। दोबारा से इसको दबाऊँगा तो ये अभी यहाँ पर हमें PV के एम्पेयर शो कर रहा है, जो ये PV के एम्पेयर इस वक्त आगे बैटरी को दे रहा है। तो इसमें भी हम चेंजिंग नहीं कर सकते, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। दोबारा से दबाऊँगा, यहाँ पर ये हमें लोड जो है वो शो कर रहा है कि इस वक्त कितना लोड चल रहा है। तो मैंने यहाँ से लोड नहीं लिया हुआ, इस वजह से फिर यहाँ पर ये उसके पैरामीटर्स को शो नहीं कर रहा। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट बैटरी से लोड लें, आप यहीं से लोड लीजिएगा। अगर यहाँ से लोड नहीं आप लेते तो फिर इसको लगाने का मकसद ही फोत हो जाता है, फिर इसको लगाने का फ़ायदा ही कोई नहीं। नेक्स्ट दोबारा से दबाते हैं जी, और यहाँ पर ये टोटली PV के AH शो कर रहे हैं हमें जितने आ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर लोड के AH जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग में यहाँ पर ये देखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि ये वो सेटिंग है कि जिसके ऊपर आप अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे। 14.2 के ऊपर मैंने रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास छोटी बैटरी है इस वक्त, मैंने कनेक्ट की हुई, तो इस वजह से मैंने इसको जो है वो 14.2 पर रखा हुआ है। अगर आपके पास 220 एम्पीयर तक की बैटरी, बड़ी बैटरी है, तो उसमें आप इसको 14.5 भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम मैं रिकमेंड करूँगा 14.2 लाजमी रखें ताकि आपकी बैटरी जो 61 बैटरीज हैं वो अच्छे तरीके से चार्ज हो जाए। तो इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए इसी बटन को, इसकी स्टेट में आने के बाद इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने से वो सेटिंग आपकी ब्लिंक करना शुरू कर देगी। अब इस प्लस माइनस को हम ऊपर नीचे करके उसकी सेट पैरामीटर्स को चेंज कर सकेंगे, यानी कि इसको अगर प्लस करूँगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती नज़र आएगी आपको, माइनस करूँगा तो उसकी वैल्यू कम होती हुई आपको नज़र आएगी। तो 14.2 पर ही मैं इसको रहने देता हूँ और ये वाला बटन दबा देता हूँ, तो ये सेटिंग चेंज होकर अगली सेटिंग में चला जाएगा। तो ये अगली सेटिंग, ये भी जो है वो समझ लें, ये भी करने वाली है कि ये वो सेटिंग है लोड ऑन वाली सेटिंग, कि बैटरी के कितने वोल्टेज तक आपका लोड ऑन रहे, बैटरी के कितने वोल्ट हों तो आपका लोड जो है वो ऑन हो जाए, कि इतने वोल्टेज के ऊपर इतनी चार्ज हो जाए बैटरी की तो आपका लोड जो है वो DC लोड चलना शुरू हो जाए। तो इसको मैंने 10.5 पर रखा हुआ है, तो ये 10.5 ठीक है, आप भी इसको 10.5 पर ही रखिएगा। तो नेक्स्ट बातें ये है जी लोड ऑफ, कि बैटरी कितने वोल्ट रह जाए आपकी तो ये उसको जो है आपके लोड को डिसकनेक्ट कर दे। तो उसमें ये होता है कि इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी बैटरी 10 वोल्ट से नीचे नहीं जाती, और अगर 10 पॉइंट से नीचे बैटरी चली जाती हैं तो उनकी लाइफ में जो है वो मसला बनता है और बैटरी डैमेज होने के ख़तरा होता है। तो इस वजह से आपको जो है वो आइडियल, मैं तो ये कहूँगा आप 10.2 पे रखिएगा। 10.2 पे रखेंगे तो आपको बैकअप भी अच्छा मिल जाएगा,
और साथ ही साथ आपकी बैटरी भी जो है वो सेफ़ रहेगी। ये जो 12 वोल्ट एसिड बैटरीज होती हैं ये तकरीबन मैक्सिमम 10 वोल्ट तक आप उनको ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, ये दो सेटिंग हो और थर्ड वन मैंने आपको बता दी। इसके अलावा इसमें कोई ख़ास सेटिंग नहीं है, ये लोड ऑन की है, ये 24 ही रहने दें, 24 घंटे आपका लोड यहाँ से चलता रहेगा और दैट्स इट। ये कुछ सेटिंग हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ये तीन सेटिंग जो हैं इसके अंदर करने वाली होती हैं और इनको उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो इन पैरामीटर्स के ऊपर इनको एडजस्ट करें ताकि आपको बैकअप भी अच्छा मिले और आपकी बैटरी जो है वो भी लॉन्ग लाइफ चले। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में जल्द इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।